बस एक बार मैं खाने आकर तो देखो, तालियां बजाओ, इस तरह से नहीं काम चलता। तुम्हें मसखरी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार बोतल लड़ा कर तो देखो, तुम्हें ये हंसी भूल। और डॉक्टर सरमेश शर्मा ऐसे ही एक कवि हैं, जब माइक पर खड़े होते हैं तो दिल खोल के बोलते हैं। आज वो हमारे निवेदन पर इस मंच पर आए हैं। मैं बहुत मन के साथ चाहता हूं कि पीछे तक ये मोहल्ला, वो मोहल्ला, वो मोहल्ला और ये मोहल्ला, सारे लोग जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर सरमेश शर्मा को आमंत्रित करें और देर तक उनकी हास्य कविताओं का आनंद लें। तुम्हें ये हंसी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें ये हंसी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार मैं खाने आकर तो देखो। तालियां बजाओ, इस तरह से नहीं काम चलता। तुम्हें ये हंसी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार मैं खाने आकर तो देखो, बहकने पे मेरे ना तुम फिर हंसोगे, क्या बात, लुढ़कने पे मेरे ना तुम फिर हंसोगे, बस एक पैग तुम भी चढ़ा कर तो देखो, बहकने पे मेरे ना तुम फिर हंसोगे, बस एक पैग तुम भी चढ़ा कर तो देखो। क्या बात, ये शौक नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये शौक नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, घर शान से जीना है तो घर बेच के पीना है। तुम्हें मसखरी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें मसखरी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार बोतल लड़ा कर तो देखो, तुम्हें ये हंसी भूल जानी पड़ेगी। और आखिरी बात उन्होंने जो मेरी व्यक्तिगत तौर पे मुझे कही, दादा सुनिएगा, उन्होंने कहा कि तुम्हें डॉक्टरी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें डॉक्टरी भूल जानी पड़ेगी, ये नुस्खा मेरा आजमा कर तो देखो, तुम्हें ये हंसी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार मैं खाने आ कर तो देखो। एक समस्या को मैंने उठाया था, उस समस्या का समाधान हो गया, भले मेरी कविता मर जाए लेकिन मेरा कहना सार्थक हो गया कि आपके राशन कार्ड बचे। एक समस्या और है, वो भी चूंकि मैंने लिखा है शर्मा जी, इसलिए मैं पूरे दावे के साथ प्रमुख जी कह सकता हूं कि वो समस्या भी दो चार महीने में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने लिखा है। बड़ी वायरल हुई मेरी, आपके प्रशस्ति स्टूडियो से भी बहुत वायरल हुई, और झूम के अगर आप सुन लेंगे तो ये मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। गैया 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 रे, गैया 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 रे, गैया 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 रे, ऐसे नहीं सुनते, गैया 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 रे, गैया 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 रे, जहां देखो गैया रे, इस मुद्दे पर सब चुप बैठे कोई न बोलैया रे, गैया 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 रे, जहां देखो गैया रे, कि हे ये हो बेसहारा, न पानी न चारा तो खेतों को कैसे न खाए, क्या बात है, ये हो बेसहारा, न पानी न चारा तो खेतों को कैसे न खाए, यहाँ देखो गायें वहां देखो गायें, है सड़कों पे कब्जा जमाए, देख लो भैया रे, गैया 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 रे, जहां देखो गैया रे। और एक बात कहता हूं, पते की हो जाए तो तालियां देना, कि गैया 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 रे, जहां देखो गैया रे, और जीवन की ना कोई व्यवस्था, कहते हैं मैया रे।
आइए एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है, गीत हो गया बहुत है लेकिन समय ज्यादा नहीं लेना है। एक गीत पढ़ता हूँ प्रमुख जी, आपके चरणों में रखता हूँ। कि मेरा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है लेकिन जो मेरी उम्र है मैंने ऐसी सरकार देखी नहीं। कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिन पे कहना भी जरूरी है, लेकिन जितनी बढ़िया सरकार चल रही है तो मैं समझता हूँ कि इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। और आपको भले ही हो लेकिन मुझे तो कतई चिंता नहीं। मैंने एक गीत लिखा कि चिंता करे पड़ोसी हमको का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता, चिंतक ऐसी तैसी हमका का चिंता। और आपको चुनाव में ले चलना चाहता हूं, और एक व्यक्ति अभी भी उसी तरह से बरकरार है कि स्वामी और राजभर मिलके खूब की हिन खलमंदर, स्वामी और राजभर मिलके खूब की हिन खलमंदर, और बहुत कुलाचे भरत रहे होई गे लंगूरी बंदर, बहुत कुलाचे भरत रहे होई गे लंगूरी बंदर, के दुबके ऐसी वैसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता। और चुनाव में भाई साहब एक जादूगरनी बंगाल से बुलाई गई थी, लेकिन उसका भी जादू नहीं चला कि माया ममता फुस हो गई चली न एक चाल, माया ममता फुस हो गई चली न एक चाल, और बाबा का बुलडोजर अब कि लैसा कि हिस कमाल, बाबा का बुलडोजर अब कि लैसा कि हिस कमाल, कि योगी मोदी मोर हित ऐसी हम का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हम का चिंता, चिंता कैसी तैसी हम का चिंता। और एक अभी पूनम जी ने कहा कि लड़की हूं तो मैं समझ गया हूं कि लड़ सकती हूं। एक नारा आया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनको उतारा गया यूपी में कि लड़की हूं लड़ सकती हूं यूपी में फूकिन जान, लड़की हूं लड़ सकती हूं यूपी में फूकिन जान, और ऐसी आग लगी अब की ना खेत बचा खलिहान, ऐसी आग लगी अब की ना खेत बचा खलिहान, के जरे परे कांजरे सी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता। और भाई साहब एक पार्टी नई नई आ गई जिसकी वजह से मोदी जी का सफाई अभियान प्रभावित हुआ। वो कैसे प्रभावित हुआ कि जो 5 रुपए एक झाड़ू था वो 50 रुपए मिलने लगा, उनका चूंकि चुनाव चिन्ह था इसलिए महंगा हो गया। कि आपके चक्कर मा यूपी मा महंगे हो गए झाड़ू, आपके चक्कर मा यूपी मा महंगे हो गए झाड़ू, और जीत वीत का पता नहीं बस निकले काम बिगाड़ू, जीत वीत का पता नहीं बस निकले काम बिगाड़ू, के चिंता करे वो बैसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता। और इस गीत को मैंने लिखा तो एक कवि मित्र ने इस पे टिप्पणी की और कहा कि छुट्टा चरण मवेशी हमका या चिंता। अब चूंकि वो बड़े कवि हैं इसलिए मैंने इसको भी शामिल करना पड़ा। हमका हम कह ही चुके ना कि हमका का चिंता, तो फिर ना ही चिंता। मैंने लिखा कि घर ही स्वाविक मिले यही से छोड़े खेती बारी, घर ही स्वाविक मिले यही से छोड़े खेती बारी, और गल्ला पर सरमेश दे देहन जमीन अपनी सारी, गल्ला पर सरमेश दे देहन जमीन अपनी सारी, अब छुट्टा चरे मवेशी हमका का चिंता, चिंता करे पड़ोसी हमका का चिंता, चिंता कैसी तैसी हमका का चिंता। और जब मैं आया था तो कई नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उन्होंने हमसे कहा था कि डॉक्टर साहब मेरे लिए भी कुछ कह के जाना। 4 पंक्तियां उनको देता हूं, अगर उनके गार्जियन भी यहां बैठे हैं तो उनके भी काम की चीजें ठाकुर साहब हो सकती हैं। सुनेगा मंच भी सुने कि शादी वाले चूंकि सहालक है इस समय तमाम लड़कों की शादियां रिश्ते आते हैं तो मेरी चूंकि हो गई है इसलिए अपना अनुभव देके जा रहा हूं। शादी वाले आए दादा सुनिएगा, तो रिश्तेदारों से 3 क्वेश्चन करना, अगर उत्तर हां में मिले तो शादी मत करना,
उत्तर ना में मिले तो आंख बूंद के शादी कर लेना, ये मेरा अपना अनुभव। स्वच्छंद हो फिरती वो अकेली तो नहीं है, नंबर एक, स्वच्छंद हो फिरती वो अकेली तो नहीं है, कोई चुड़ैल उसकी सहेली तो नहीं है। इन्हीं तीन क्वेश्चन में से बायोडाटा आ जाएगा आपको। स्वच्छंद हो फिरती वो अकेली तो नहीं है, कोई चुड़ैल उसकी सहेली तो नहीं है, शादी तो मैं कर लूंगा पर इतना बताइए, शादी तो मैं कर लूंगा पर इतना बताइए, वो बापू आसा राम की चेली तो नहीं है, वो बापू आसा राम की चेली तो नहीं है। और एक बंद एक मुक्तक देके अपना स्थान लेता हूं। तमाम लोग डाई, ये कुदरत का नियम है, उम्र के हिसाब से बाल सफेद हो जाते हैं और पहले काले होते हैं। मैंने इस पे भी कई मुक्तक लिखे हैं लेकिन एक मुक्तक सुना के जा रहा हूं क्योंकि अभी श्रृंखला लंबी है, दूसरा चक्र चला तो देखा जाएगा। क्योंकि लगा मैं भी लेता हूं लेकिन उद्देश्य मेरा भी वही है कि कम से कम मेरी अपनी वाली तो मेहरबान रहे। तो आइए कि कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, जवानी का ओढ़ोगे कब तक लबादा, बालों को कब तक के काला करोगे, किसी पे मरोगे तभी तो मैं